दोस्तों, राजस्थान की एक अनोखी घटना ने सबको हैरान कर दिया। जब पुलिस ने एक साधु को बेवजह गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, ये साधु जो अपने ध्यान और तपस्या के लिए जाने जाते थे, इस घटना से अनजान थे। लेकिन जब चार दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद चोर खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने किए पर पछताए, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बेवजह पुलिस वालों ने जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान की। एक समय की बात है जब रात के करीब 2 बजे दो चोर मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी कर रहे थे। उस समय जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो चोर बेहद ही डर गए और चोरी का सामान वहीं छोड़कर भाग गए। तभी उसी मोड़ पर एक साधु गुजर रहे थे। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उस साधु को देखकर पुलिस ने उस साधु पर भी शक किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। रात के करीब 2 बज रहे थे, पुलिस वालों ने उस साधु को घटना स्थल पर मौजूद होने के कारण जेल में डाल दिया। पुलिस ने उस साधु से पूछताछ की, लेकिन उनका कहना था कि साधु तो इन सब मोह माया से दूर रहते हैं। मेरा नाम रविदास जी महाराज है और मैंने 17 साल की उम्र से ही दीक्षा ले ली थी और तब से लेकर आज तक मैं एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करता हूं। अपनी सफाई में इतना कहने के बाद साधु महाराज अपने ध्यान में लीन हो गए और पुलिस वालों ने उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा बना दिया। पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन वो साधु महाराज ध्यान अवस्था से बाहर नहीं आ रहे थे। देखते देखते 4 दिन बीत गए, लेकिन वो साधु महाराज ध्यान मुद्रा में ही थे और पिछले 4 दिन से उन्होंने अन्न का एक दाना भी खाया नहीं था। पुलिस वाले भी ये देखकर हैरान थे कि किसी व्यक्ति में ऐसी एकाग्रता कैसे हो सकती है। और उस घटना के महज 3 दिन बाद राजस्थान के पुलिस थाने में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वही चोर जो बाड़मेर रोड पर चोरी कर रहे थे, वो अचानक से भागते हुए पुलिस स्टेशन पर आ गए और जितना भी चोरी का सामान था वो सब जमा करा के खुद को दोषी ठहराया। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की कि तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो, तो उन चोरों ने बताया कि एक दिव्य साधु हमारे सपने में पिछले 3 दिन से आ रहे हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि तुमने जितनी भी चोरी की है वो सभी सामान इकट्ठा करके तुम पुलिस स्टेशन में जमा करा दो। पहले तो हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में इतनी परेशानी आने लगी जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में आकर ये सारा सामान जमा करा रहे हैं। पुलिस ने उन दोनों चोरों को रिमांड पर लिया और कहा कि तुम दोनों की गलती की सजा पिछले 3 दिन से एक साधु को मिल रही है। लेकिन जब उन दोनों चोरों ने उन बाबा को लॉकअप में देखा तो उनके तो पसीने छूट गए, क्योंकि वो वही बाबा थे जो 3 दिन से उनके सपने में आ रहे थे। पुलिस वाले भी ये बात जानकर आश्चर्यचकित रह गए। वो जान चुके थे कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है, बल्कि एक दिव्य साधु है। जिसके बाद किसी तरह साधु महाराज को ध्यान मुद्रा से निकालकर उन्हें जेल से बाहर निकाला गया और पुलिस वालों ने उनसे माफी मांगी और उन्होंने भी दयालुता दिखाते हुए पुलिस वालों को माफ कर दिया। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।